अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं देती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं और उन्हें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोगों के लिए मैं अच्छी सी वीडियोस बना के लेके आती रहती हूँ। और आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना के लेकर आई हूँ, जो कि है चने का पुलाव। और चने के पुलाव की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, सीक्रेट रेसिपी है वो। और वो जो है इसके अंदर जो है तीन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, और ये तीन इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत स्पेशल हैं, यानी कि काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची। तो ये हैं स्पेशल तीन इंग्रेडिएंट्स और हरी मिर्चें। बस इन चारों चीज़ों को आप ब्लेंडर में डाल के अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लें और इसके अंदर आपने नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और धनिया, चाट मसाला, गरम मसाला और साबुत गरम मसाला, ये सब चीज़ें पीसने के बाद डालनी है, साथ डाल के नहीं पीसना। बस इसके बाद इनको आपने ऑयल गरम करना है और ऑयल गरम करने के बाद आपने इसमें ये सारे मसाले जो हमने पीसे हैं ये और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए थे वो भी मिला देंगे और उनको ऑयल में डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। जब खुशबू आने लग जाएगी तो उसके अंदर आपने चने डाल देने हैं, आलू डालने हैं तो आलू डाल दें, चिकन डालना है, बीफ डालना है, मटन डालना है, एज यू विश, तो जैसे आपकी सहूलत हो। तो आपने इस चीज़ डाल दें जी, मेरे पास चने थे और आलू थे तो मैंने ये डाल दिए हैं ना। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया है और उसके बाद आपने जितने आपके चावल हैं उतना पानी डाल के उसे पकाने के लिए रख देना है। जब बॉयल आ जाए तो आपने एक दो बॉयल और देने हैं, क्योंकि आलू जो है वो ज़रा देर से गलते हैं। तो बस आपने उसे थोड़ी देर पकने देना है, 10 से 15 मिनट पकेंगे और उसके बाद फिर आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। जब चावल ऐड हो जाएंगे इसके अंदर तो फिर आप उसे चावल को पकने देंगे। और जब आपके चावल पक जाए तो आपने एक कनी छोड़ के उसे आपने दम पे लगा देना है। और अगर जर्दे का रंग डालना है जर्दे का रंग डाल दें, प्याज पीस ब्राउन हुई भी है तो वो डाल दें, धनिया है, पुदीना है, जो भी आपके पास चीज़ है वो आप डाल दें। तो जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं और मैं आपको उसके ऊपर जर्दे का रंग डालूँगी, क्योंकि मुझे जर्दे का रंग स्पेशली बहुत पसंद है। तो मैं वो लाजमी डालती हूँ अपने पुलाव में, तहरी में, बिरयानी में, मुझे अच्छा लगता है ये कलर, तो इस वजह से मैं डालती हूँ। तो आपने ये डालना है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप कर सकते हैं और आपको जो अच्छा लगता है वो आप डाल दें। बस आपने इसको दम पे लगा देना है, 10 से 15 मिनट दम पे लगाना है। और दम पे लगाने की जो निशानी है अक्सर लोगों को नहीं पता होती, मुझे भी नहीं पता थी, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई। तो निशानी ये है कि जब आप ढक्कन खोलें तो धुआं निकले काफ़ी सारा, तो समझ जाएं कि आपका दम लग गया। बस और आपकी रेसिपी जो आपने तैयार की है वो रेडी हो गई है। बस आपने डिश आउट करना है, उसे गार्निश करना है और उसे आपने अपनी प्यारी प्यारी फैमिली को खिलाना है। और अगर आपकी फैमिली खाएगी और उसे पसंद आएगी तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा मुझे, कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी। और मैं बहुत बहुत आसान आसान रेसिपीज लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आती हैं और जो कि झटपट बन जाती हैं, ना उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और ना ही बच्चों को या बड़ों को इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर आपको ये रेसिपी समझ आए, पसंद आए, अच्छी लगे और आपने ट्राई किए हो तो, नहीं किए तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर मेरे कहने पे, क्योंकि बहुत मज़ेदार होती है। तो मेरे बच्चे तो ये फरमाइश करके बनवाते हैं और मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन भाई भी सब फरमाइश करके बनवाते हैं। तो आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा या बताइएगा। तो इजाज़त दें, अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके पास हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने
मौका दिया तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह, और अपनी वीडियोस बना के आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।